गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 4th सब्जेक्ट कड़ी। वेलकम टू योर ओन क्लास। एंड आज हम चलते हैं भाग की तरफ। यहाँ पे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने दो अंक वाले संख्या में एक अंक से भाग देना सीखा था। आज हम कुछ शून्य के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि शून्य में शून्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या अर्थात शून्येतर संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य ही आता है। शून्य में शून्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से अर्थात शून्येतर शून्य के अलावा संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य ही आता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों कि इस तश्तरी में लड्डू कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ इस तश्तरी में अगर शून्य लड्डू है और 9 लोगों में बांटना है तो क्या होगा, सभी को शून्य ही मिलेगा। इसलिए 9 का पहाड़ा हम शून्य बार पढ़ेंगे तो शून्य ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी संख्या में अगर हम शून्य से गुणा करें तो आंसर शून्य ही आता है। तो 9 का पहाड़ा आपने शून्य बार पढ़ा, शून्य आया, यहाँ पे हमने लिख दिया, इसको घटा दिया, अब ये हो गया 0। उसी तरह से अगर 7 लोगों में देना है तो भी जब लड्डू ही नहीं है तो सबको कुछ भी नहीं मिलेगा अर्थात शून्य मिलेगा। तो इस तरह से शून्य में शून्य के अलावा किसी भी संख्या से आप भाग दीजिए तो आपको क्या होगा, भागफल सदैव शून्य ही आएगा। तो इसी तरह से अब हम दो अंक वाली संख्याओं में भाग देना देख लेते हैं। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, ये है 50 और ये है 5। हमें 5 से भाग देना है 50 में। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 5 का पहाड़ा हमको पढ़ना पड़ेगा। और 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 5 से ज़्यादा ना हो। तो जब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, 5 एकम यहाँ पे आ गया 5। अब हमने इसको घटा दिया, 5 में से 5 चला गया 0। अभी हमारा भाग समाप्त नहीं हुआ, इस 0 को हम यहाँ पे उतार देंगे। अब क्या होगा, 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि शून्य आए। तो 5 का पहाड़ा अगर हम एक बार भी पढ़ेंगे तो 5 आएगा, शून्य से ज़्यादा हो जाएगा। तो शून्य आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, शून्य बार ही पढ़ना पड़ता है। तो 5 का पहाड़ा हमने शून्य बार पढ़ा, यहाँ पे शून्य लिखा और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अर्थात अगर हमारे पास 50 रुपए की नोट है, 5 बच्चों में बांटना है तो एक एक को 10-10 रुपए मिलेंगे और यहाँ पर हमारे पास कुछ भी शेष पर नहीं बचेगा। अब हम चलते हैं ये दूसरे सवाल की तरफ। ये है 9। 9 से जब हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 और यहाँ पे हम घटाएंगे इसे तो 9 में से 9 गए 0, यहाँ हमारा भाग खत्म नहीं हुआ, इस 0 को हम यहाँ पे उतार लेंगे। अब 9 का पहाड़ा हम ऐसे पढ़ेंगे कि 0 आए, यहाँ पे हम 0 लिखा, हमने इसको घटाया, अब जाके हमारा भाग पूरा हो। अगर हम सिर्फ 9 एकम 9 करके यहाँ 2 0 पे ही भाग खत्म कर देते तो क्या हो जाता कि 90 रुपये अगर हम 9 लोगों में बांट रहे हैं तो सिर्फ 1 रुपये मिलेगा, 9 लोगों को 1-1 रुपये मिलेगा, पूरा ही मीनिंग गलत हो जाता। इसलिए क्या करेंगे, हम 9 में भी भाग देंगे, दहाई में भी और इकाई शून्य में भी। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 60 रुपये हैं और 3 लोगों में बांटना है,
हम अगर दिमाग से इसका आंसर हल कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि एक एक जन को 20-20 रुपए मिलने वाले हैं। अब आइए देखते हैं इसको लगाएंगे कैसे। 3 का पहाड़ा हमें ऐसे पढ़ना है कि 6 आए, तो जब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये हो जाता है 3 × 2 = 6, यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब 6 में से 6 गए 0, इस 0 को अभी हम उतारेंगे, अन्यथा क्या हो जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ 2-2 रुपए मिल रहा है, ये गलत हो जाएगा। अगर 2-2 रुपए 3 जन को मिला तो 6 ही रुपए खत्म हो, 60 अभी कहाँ खत्म हो। तो क्या करेंगे हम, 3 का पहाड़ा पढ़ा हमने 2 बार, 2 बार पढ़ने पे 6 आया, उस 6 को हमने यहाँ लिखा, 6 में से 6 गए 0, अब इस 0 को उतारना है। और 3 का पहाड़ा 3 का भाग इस इकाई में भी देना है, तो 3 का पहाड़ा हम ऐसे पढ़े कि 0 आए, तो 3 का पहाड़ा आप 0 बार पढ़िए और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब हमारा भाग यहाँ जाकर खत्म होता है और आंसर हमें मिलता है जो हमने अपने मेंटल सम्स में लगाया कि हर एक को 20-20 रुपए मिलेंगे। अब इसी तरह से यहाँ पे है 40 और 2 लोगों में बांटना है, तो तुरंत हमारे दिमाग में उत्तर आ जाएगा कि प्रत्येक को 20-20 रुपए मिलेगा। लेकिन लगाएंगे कैसे, 2 का पहाड़ा हम ऐसे पढ़े कि 4 आ जाए, तो 2 दूनी और यहाँ पे 4 घटा दिया हमने, 4 में से 4 गए 0, इस 0 को उतार लिया। अब क्या हो जाएगा, 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 0 आए, तो 0 बार ले जाएंगे हम, यहाँ पे 0 लिखेंगे, घटाएंगे इसको, अब जाके हमारा आंसर कंप्लीट होगा, अर्थात 40 रुपए को 2 लोगों में बांटेंगे तो 20 रुपए 1 जन को मिलेगा और 20 रुपए दूसरे को मिलेगा। अब जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया है कि भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, अर्थात ये है भाजक गुणे ये है भागफल 20 और ये है धन शेषफल। तो 2 × 2 = 4 और 1 0 लगा दिया, धन 0 कर दिया और 40 में 0 जोड़ेंगे तो 40 ही आएगा। इस तरह से हमने क्या सीखा कि भाज्य, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब